हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। हेलो, आई एम साधना और आज मैं रिएक्शन करने जा रही हूँ हर घर तिरंगा सॉन्ग पे। तो शुरू करते हैं। हर घर तिरंगा 75th आजादी। हर घर तिरंगा। सो गाइस, जैसे कि मैंने हर घर तिरंगा सॉन्ग देख लिया है, ये बहुत ही ऑसम सॉन्ग था। पूरे सॉन्ग के बीच मेरे को गूज़बम्स आए हुए थे, बट मैं अपनी नज़र सॉन्ग से नहीं हटा पाई थी और किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगी इस पूरे सॉन्ग में, क्योंकि इतने सारे लेजेंड थे। अगर किसी एक का नाम छूट गया तो ये अनजस्टिस हो जाएगी। और
मैं सिर्फ पीएम मोदी सर का नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए 13 to 15, और मुझे लगता है कि हर दिन हमारे घर में तिरंगा होना चाहिए। बट ये वीडियो बहुत अच्छी थी, और हमने भी अपने घर में तिरंगा लगाया। आई थिंक आप लोगों ने भी लगाया ही होगा। मतलब मैंने मोस्टली देखा, कल मैं कहीं गई थी, कहीं जाना पड़ा मुझे, बट मैंने देखा मोस्टली घरों में तिरंगा लगा हुआ था। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि ऑलरेडी हम इंडिपेंडेंस डे से पहले ही इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब, और ये सॉन्ग स्पेशली बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से हर रीजन को दिखाया हुआ था, हर लैंग्वेज में कोशिश करी थी कि मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज में वो डाल मतलब हर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा मतलब ये डाल सके, तो उन्होंने कोशिश करी थी हर उसमें डालने का। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से ब्यूटीफुली इस सॉन्ग को बनाया गया था। हमारे सारे गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे सिंगर्स, हमारे एक्टर्स, हमारे लाइक रीजनल डांसेस, रीजनल लैंग्वेजेस, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिक्स करने की कोशिश करी। जितना भी किया है, जितना भी करके दिया है, वो बहुत ही एक परफेक्ट मास्टरपीस बनाया है इसको। मुझे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आया। और हर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा होना चाहिए। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड हैप्पी लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन 75 ईयर्स ऑफ फ्रीडम टू ऑल ऑफ अस, है ना। तो बस बाकी ये वीडियो बहुत अच्छी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।